आइए जानते हैं पिछले सप्ताह की प्रमुख खबरें। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 180 देशों की सूची में 159वें स्थान पर रहा। हाल ही में चीन द्वारा चांग-E6 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। यह मिशन चंद्रमा के दूर के हिस्से से नमूने एकत्र करने और अनुसंधान उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भेजा गया है। हाल ही में अक्रा में संपन्न हुए भारत और घाना संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में भारत और घाना ने इंटरबैंक भुगतान और निपटान प्रणालियों में UPI चालू करने पर सहमति जताई। सीमा सड़क संगठन BRO ने 7 मई 2024 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। सीमा सड़क संगठन की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेता बर्नार्ड हिल, जिनके शानदार अभिनय ने टाइटैनिक और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सहित हाल के दशकों की कुछ सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों की शोभा बढ़ाई, का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कुश्ती से संबंध रखने वाली हमीदा बानो की याद में गूगल ने हाल ही में एक डूडल जारी किया। उन्हें अलीगढ़ की अमेजन के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह JGC की बैठक 6-7 मई 2024 को ले लद्दाख में आयोजित की गई। कमांडेंट्स कॉन्क्लेव का 6ठा संस्करण 7 मई 2024 को मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तत्वावधान में सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में आयोजित किया गया। गेम ऑफ थ्रोन्स में केविन लैनिस्टर की भूमिका निभाने वाले ब्रिटिश अभिनेता इयान गैल्डर का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने थैलेसीमिया से निपटने के लिए इसकी समय पर पहचान और रोकथाम के महत्व पर बल दिया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ CIE के सहयोग से मेडिटेक्स टैथॉन 2024 का शुभारंभ किया। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और एक खगोल पर्यटन कंपनी स्टारस्केप्स ने मिलकर भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य खगोल पर्यटन को बढ़ावा देना है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 6-9 मई 2024 के दौरान दुबई में आयोजित होने वाले अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में भाग लिया। यह आयोजन मध्य पूर्व के पर्यटन बाजार में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में केरल में वेस्ट नाइल बुखार के मामले सामने आए हैं। वेस्ट नाइल वायरस एक मच्छर जनित सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। ये जापानी एनसेफ्लाइटिस और पीले बुखार का कारण बनने वाले वायरस से संबंधित है। बीते 7 मई को एस्मा एजुकेशन एम्पावर्स थीम के साथ विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। इस दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा GINA द्वारा किया जाता है।